हाई एंड वेलकम टू दी हाई फ्री स्ट स्टार हो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी हीयर साजिटेरियस वॉट इज कमिंग फॉर यू गाइज एप्रेल सेकेंड हाफ एंड ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए किसी भी मैसेज को यहाँ पर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है And let's get started here. Mataro lungi Pele, Let's see your universal guidance. Page of Cups energy. Hmm. I feel like I'm hearing self discovery. Ya yeah, discovery. So this is a time, sages Jab Chizoko. चीज़ों को नहीं है एक्चुअली आप अपने आप को पहचान रहे हो एक नए नज़रिए से आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो अपने बारे में अब ये ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट्स थे जो आपको पहले नहीं पता था ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से आम, किसी चीज़ से डरते थे बट जैसे ही अपने आपने उस डर को डर का सामना किया तो आपको दिखा दैट वो काम उतना भी मुश्किल नहीं था कभी या आप कुछ नया सीखना चाहते थे सो आप इस टाइम पे वो सीख रहे हो फाइनली आप कुछ नॉलेज गैदर कर रहे हो या तो दिस इज़ समथिंग अबाउट योर इमोशंस, कि आपको नहीं पता था कि आप इतने भी दयालु इंसान है या अच्छे इंसान है या आप कभी किसी को इस तरह से हेल्प कर सकते हैं या आप कभी ये नहीं सोचे थे कि आप इतना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आप इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप इतना यू um, नो you know, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सो देर इज़ समथिंग जो आपको भी नहीं पता था अपने ही बारे में जो आप डिस्कवर कर रहे हो इस टाइम पे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके बारे में प्योरली नहीं है तो दिस कुड बी अबाउट योर सराउंडिंग्स। आप डिस्कवर कर रहे हो कि आपके आसपास के लोग कितने अच्छे थे या आपका um, आपके पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं या समथिंग जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था या आपके सामने ही था पर अभी तक आपने कभी उस चीज पे गौर नहीं किया बट फाइनली यू आर सींग फाइनली वो आप रजिस्टर कर रहे हो अपने माइंड में एंड यू आर लाइक ओके सो दिस इज़ न्यू इंफॉर्मेशन दिस इज़ समथिंग न्यू जो मैं जान रही हूँ जो uh, मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ सो so दर इज़ समाइप ऑफ एन इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली यूनिवर्स आप तक पहुँचा रहे हैं दर इज़ सम टाइप ऑफ एन नॉलेज जो आप गदर कर रहे हो विजडम जो आप काइंड ऑफ गैदर कर रहे हो अपने बारे में या अपने आस पास चीज़ों के बारे में एंड आई ऑल्सो सी यू हेल्पिंग पीपल आउट सो ये कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें आप हेल्प कर रहे हो ये कुछ गरीब लोग हो सकते हैं ये कोई टाइप का दान हो सकता है डोनेशन हो सकता है या एनिमल्स को आप खाना दे रहे हो शेल्टर दे रहे हो वो हो सकता है सो आी तरह इस इस टाइम पे आप बहुत कंपैशनेट एनर्जी में हो जहाँ पे आप गिविंग uh, एनर्जी में हो आप उस फेमिनिन एम्प्रेस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर हेल्पिंग पीपल आउट यू लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं आप उन्हें या तो सही एडवाइस दे रहे हो या तो खाना दे रहे हो या पैसा दे रहे हो या किसी भी टाइप का हेल्प आप ऑफर कर रहे हो सो so, यूनिवर्स आपको एक मीडियम के तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हेल्प पहुंचा सके कुछ लोगों तक राइट वी हैव द लवर्स वी हैव द सेवन ऑफ वन रिवर्सडर आई थी आपके करियर में साजिद आपने एक डिसीशन लिया है एंड ये डिसीशन आपने ऑलरेडी ले लिया है दिस इज सम जो आप बहुत ही सोच समझ के लिया है आपने बहुत सारे लोगों से एडवाइस लिया है आपने बहुत सारे लोगों का ओपिनियन गैदर किया है एंड यू हैव टेकन दिस एडवाइस फ्राम सॉरी यू है यू हैव मेड दिस डिसीशन जिसे आप ऑनर कर रहे हो एंड फाइनली आप किसी चैलेंज या किसी ब्लॉकेज um, का सामना भी कर रहे हो और ओवरकम भी कर रहे हो उस ब्लॉकेज को बिकॉज आपके अंदर फाइनली वो कॉन्फिडेंस या फाइनली वो नॉलेज या वो इनर स्ट्रेंथ है कि आप अपने ऊपर विश्वास रख पा रहे हो कि आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो या आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप अपने पास्ट गलतियों को सुधार सकते हो या आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आप ज़्यादा एफर्ट्स uh, डाल सकते हो वॉट एवर दिस इज लाइक यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है यहाँ पे एक एनर्जेटिक चेंज आया है आपके अंदर दैट इज़ द रीज़न आप ज़्यादा एक्टिव हो गए हो पहले से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पहले से आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स या ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो सो समथिंग दैट यू आर अचीविंग पर वो आप अपने दम पर अचीव कर रहे हो वो आप अपने एक्शंस से अपने मेहनत से अचीव कर रहे हो बिकॉज आपने फ़ाइनली अपने आपको वो जगह दिया है आपने फाइनली अपने ऊपर वो विश्वास रखा है कि आप कर सकते हो इट इज़ पॉसिबल टू डू एंड दैट इज़ द रीज़न आप ये कर रहे हो ऑटोमेटिकली जब आप उस एनर्जी में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप यू नो मैनिफेस्ट करने लगते हो सक्सेस को जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ दैट इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर मैनीफेस्टिंग चेंज आप उन सारे बंधनों को उन ब्लॉकेज को तोड़ रहे हो जब जो, जो अब तक आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा uh, लग रहा था आपको Finally you are moving out of that comfort zone and आप चीज़ों को achieve करने लगे हो आप चीज़ों को experience करने लगे हो अपने दम पे so it's a very beautiful situation and इस time pe focus कीजिए अपने experience, अपना knowledge ये सब बढ़ाने में ओके <laughs> okay? आप जैसे इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हो आप देखेंगे कि मनी अप्रिसशन दौलत एंड ऑल दैट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पीछे queen of pentacles reversed and the hermit sage आपके लव लाइफ की इमोशनल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं सजेस आई फील लाइक यहां पर आप दोनों आप और आपके पार्टनर आप दोनों साइलेंट हो आप दोनों एक डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हो या आप दोनों एक जगह पर स्टक महसूस कर रहे हो इस पूरे सिचुएशन या कनेक्शन को लेके कर um, आप थोड़े से इम्पेश मुझे लग रहे हो आप थोड़े से ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हो साजिश बट आई फील आप दोनों काफ़ी साइलेंट हो या आप दोनों अपने अपने लाइफ पर फोकस करना चाह रहे हो लाइक like आप अपने प्रायोरिटीज़ को बदलना चाह रहे हो आपको लग रहा है कि आप दोनों को एक्चुअली कि दिस इज़ अ टाइम कि आप किसी और चीज़ पे फोकस करें एंड इस ना ही ना इस कनेक्शन पे लाइक मे बी अपने करियर पे अपने हेल्थ पे अपने फैमिली पे अपने पर्सनल हीलिंग पर्सनल ग्रोथ वॉट एवर लाइक आई एम आई एम सींग दिस एनर्जी ऑफ कि आप दोनों ने ब्रेक लिया है इस पूरे सिचुएशन से एंड इवन इफ आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि कहीं एंडिंग तो नहीं है कहीं इतना तक सफ़र तो नहीं था आगे पता नहीं कभी कुछ वापस अच्छा होगा भी नहीं फॉर सम ऑफ यू इट्स कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए मे बी कॉन्टैक्ट है मगर पहले जैसा वो एनर्जी नहीं है पहले जैसा बात नहीं होता पहले जैसा वो इन्वेस्टेड नहीं है इस मोमेंट में सो इन दैट सिनारियों देखिए मुझे ये एंड होते हुए तो नहीं दिख रहा है बट आई फील कि इस मोमेंट में इस टाइम में आप दोनों अपने अलग अलग रास्ते में हो मे बी उसके पीछे डेफिनेटली कोई वैलिड रीज़न रहा होगा ऑफ़ कोर्स बट आप दोनों अपने प्रायोरिटीज़ को फिर से काइंड ऑफ शफल कर रहे हो आप लोग फिर से ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि इस टाइम पे इस रिलेशनशिप के सिवा आप दोनों क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट क्या डेवलपमेंट क्या जगह है आपके लाइफ में बिकॉज uh, आप दोनों ही थोड़ा सा थक चुके हो मे बी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे मे बी बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस हो गया था मे बी लॉन्ग डिस्टेंस था सो समिंग वॉज नॉट राइट समथिंग वॉज नॉट हेल्पिंग द सिचुएशन जिस वजह से आप दोनों को मे बी ये डिसीशन लेना पड़ा टू काइंड ऑफ गो योर ओन वेज एंड आप लोग अभी वही कर रहे हो बट आई थिंक अगर अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो इसमें कोई uh, गलत बात नहीं है आई थिंक इफ यू आर वॉन्टिंग अ ब्रेक यू कैन टेक अ ब्रेक यू शुड टेक अ ब्रेक एंड अभी यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ पेशेंस दिस इज़ अ टाइम ऑफ साइलेंस एंड दिस इज़ अ टाइम कि आप खुद के ऊपर फोकस जितना हो सके कीजिए बिकॉज फ़िलहाल ज़्यादा एक्शन या मूवमेंट नहीं होगा एटलीस्ट इस पंद्रह दिनों में सो डू वॉट यू आर डूइंग कीप यूर फोकस ऑन वॉट नीड्स टू बी डन इमीडिएटली एंड इसे अपने ही लाइक uh, फ्लो like, में रहने दीजिए यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ठीक है सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस हियर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग साजेस आई रियली अप्रिशिएट यू टेक केयर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड मैं ऑफकोर्स आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय